हमारे यहाँ पर बिकने वाली ज्यादातर स्कूटीज 50 का माइलेज देती हैं, मतलब वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती हैं। वहीं पर लगभग बराबर इंजन कैपेसिटी की एक मोटरसाइकिल 65 से 70 का माइलेज देती है, यानी कि वह 1 लीटर में 65 से 70 किलोमीटर चलती है। तो अब सवाल आता है कि आखिर स्कूटीज मोटरसाइकिल से कम माइलेज देती क्यों है। बहुत शानदार जानकारी देंगे आपको, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, स्कूटीज का माइलेज कम होने के पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। पहला है इनका ट्रांसमिशन सिस्टम। मोटरसाइकिल्स में मैनुअल ट्रांसमिशन होते हैं जिनमें इंजन की पावर गियर सेट्स के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है। वहीं पर स्कूटीज में कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन होते हैं। इनमें इंजन की पावर कोन और बेल्ट के कॉम्बिनेशन के थ्रू ट्रांसमिट की जाती है, जिसकी वजह से ऐसे ट्रांसमिशन में लॉसेस ज्यादा होते हैं और इसीलिए स्कूटी माइलेज कम देती है। अब दूसरा रीजन है इन दोनों की डिजाइन। अगर आप एक मोटरसाइकिल को देखोगे तो वो आगे से काफी स्लीक सी होती है, वहीं पर एक स्कूटी की बॉडी सामने से बड़ी और चौड़ी होती है, जिसकी वजह से स्कूटी पर एयर ड्रैग मोटरसाइकिल के कंपैरिजन में ज्यादा लगता है। इसीलिए स्कूटी मोटरसाइकिल से कम माइलेज देती है।